मेरा करियर शुरू हुआ जब मैं 9 साल की थी, तो हम सब बच्चे कुछ उन्होंने 500 बच्चे जमा किए थे। दिलीप साहब को कुछ चाइल्ड आर्टिस्ट चाहिए थे अजरा जी और वैजयंती जी का बचपना करने के लिए। वैजयंती जी के लिए उन्होंने सेलेक्ट कर लिया था नाज को, बीबी नाज को। उसके बाद देन दे कॉल्ड ऑल किड्स, तो कुछ 500 बच्चे बुलाए गए थे। सबको उन्होंने देखा, सबको देखा, हमको भी देख के गए। फिर देन ही वेंट बैक लाइक दैट एंड ए लड़की ज़रा तुम इधर आना, तो एंड ही कॉल्ड मी। मैं जी अंकल सर क्या नाम है तुम्हारा? आई सेड अरुणा। अच्छा, देन ही आस्क्ड मी 2-3 क्वेश्चंस एंड ऑल दैट। आई सेड या। और उन्होंने लुक दी, प्रेम जी भाई जो प्रोड्यूसर हैं अभी, काफ़ी अच्छे प्रोड्यूसर रहे हैं, वो उनके प्रोडक्शन में उस वक्त काम किया करते थे। तो उन्होंने कहा इस बच्चे का एड्रेस ले लो, तो कुछ 4-5 बच्चों का उन्होंने फाइनली एड्रेस ले लिया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इन 500 बच्चों में वो मुझे सिलेक्ट करेंगे, लेकिन थ्रू हो गया। दैट्स हाउ माई करियर स्टार्टेड। देन आई केम इन एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, कभी इधर छोटा रोल कर लिया, उधर छोटा रोल किया बचपने का। देन एक उम्र ऐसी आ गई कि ना बच्चे रहे ना जवान रहे, तो उस वक्त तो कोई काम आपको देता नहीं, क्योंकि बहुत मिडिल एज होती है आपकी। तो वो 4-5 साल मुझे घर बैठना पड़ा। तो उस 4-5 साल में आई स्टार्टेड डूइंग स्टेज। मेरे फादर की थिएटरिकल कंपनी थी, तो आई स्टार्टेड डूइंग स्टेज प्लेज एंड ऑल दैट कमर्शियल प्लेज। तो दैट वॉज एक्चुअली माई इंस्टीट्यूट वेर आई लर्नड। आई लर्न थिंग्स लाइक परफॉर्म कैसे करते हैं, या जो दिल का डर है वो इतने लोगों के सामने बोल के वो डर कैसे निकालते हैं। दैट वॉज अ सॉर्ट ऑफ माई इंस्टीट्यूट एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम स्टेज। एंड उन दिनों मेरा ब्रेड बटर भी तो वही था। फिर एक दिन हमारा प्ले देखने बाऊ भाई मिस्त्री आए और उन्होंने कहा कि ये जो लड़की ये जो कॉमेडी रोल कर रही है ये कौन है? बोले अरुणा, अरुणा ईरानी है उसको, तो बुलाओ ज़रा उसको। तो उन्होंने बुलाया और बुला के, अच्छा अरुणा तुम फिल्म में काम करना चाहोगी? एंड आई कुड नॉट बिलीव माई ईयर्स कि आई एम हियरिंग सो। एंड ही सेड कि हाँ, और ऐसे ऐसे कॉमेडी रोल है, मारुति जी के ऑपोजिट है, कॉमेडियन मारुति जी जिनकी डेथ हो गई उनके ऑपोजिट है। तो आई वॉज वेरी थ्रिल्ड, दैट्स हाउ आई अगेन री एंटर्ड एट दैट एज ऑफ माई लाइफ। ऐसे करते करते छोटे रोल बड़े रोल, इधर 2 सीन उधर 1 सीन, ऐसे करते करते चलते गए लाइफ में। देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद महमूद जी, तो उनके साथ कॉमेडी रोल में मैं सेट हो गई। एवरीबडी सेट कि नहीं, मुमताज़ ने शादी कर ली थी, तो नहीं मुमताज़ उन दिनों में हीरोइन बन गई थी, तो शी वॉज नो मोर डूइंग कॉमेडी रोल्स। शोभा कोटे जी ने शादी कर ली थी, तो देर वॉज नो गर्ल इन टू कास्ट अपोजिट हिम, सो ही वॉन्टेड टू ट्राई अ न्यू गर्ल। देन दे कॉल्ड मी, सब मेरे को बहुत बाकअप करके ले गए कि अरुणा डरना नहीं, नेचुरली मैं महमूद साहब की फैन थी, आई वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ हिम, इतने बड़े स्टार के सामने काम करना कोई मजाक है क्या? तो सब तैयार करके, अरुणा नहीं डरना, नहीं डरना, नहीं डरना, सब वहाँ से वेरी गुड, वेरी नाइस, एक्सेलेंट शॉट के बाद ना जो अपने फ्रेंड्स हैं ना वो सब ऐसे इशारा करके दे रियली गिव मी गुड बूस्ट एंड आई कुड आई मीन स्टैंड एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम डू समथिंग। Then he was also a very helpful person. Then he helped me ke how to react, how to, what are the timings of a comedy. He helped me. So that's how I was doing comedy roles. Then there was a film called Bombay to Goa in which Amit ji the. So Amit ji bhi un dino mein character roles karte the. Second hero ke role karte the. Anand mein bhi the. And he was doing a villain role in Parwana. तो ये लोग सोच रहे थे कि हम लोग नए हीरो हीरोइन स्टार कास्ट करें, तो सब एवरीबडी थॉट कि चलो अमित जी को लेते हैं। अमित जी को ले लिया, तो बोले लड़की कौन? तो दे वॉज थिंकिंग क्या करें क्या करें। देन दे आस्क्ड मी, मी मेरे लिए तो अंधा क्या मांगे, 2 आँखें, आई जंप्ड एंड दैट्स हाउ वी डिड दैट फिल्म एंड दैट्स हाउ आई केम इन द लाइन। और इस तरह मेरी एंट्री हुई। आई गॉट कारवा ऑल्सो बिफोर बॉम्बे टू गोवा। आई गॉट कारवा, कारवा में रोल था, मुझे बहुत अच्छा डांस, तो मतलब डांस के आता ही नहीं था। सुरेश मास्टर जी थे डांस मास्टर जी, एंड ही सेड ही रिकमेंडेड माई नेम टू नासिर साहब। नासिर साहब ने मुझे ऑफिस बुलाया, हाँ हाँ देखने में तो ठीक लगती है, फिगर विगर भी ठीक है लड़की का, डायलॉग बोल लेती है क्योंकि नाटक में काम करती है, तो शी कैन स्पीक गुड लाइन्स। अच्छा डांस वांस करती है क्या? तो सुरेश जी ने बोला हाँ हाँ बहुत अच्छा नाचती है, डोंट वरी आप, मैं हूँ ना नासिर जी, आप क्यों डरते हैं, गिव अ रिहर्सल शी विल बी एक्सेलेंट। दैट्स हाउ आई केम इन कारवा। ये दोनों फिल्में मेरे साथ रिलीज हुई थी एंड आई केम इन टू लाइमलाइट आफ्टर दीज टू फिल्म्स। बट देर वॉज सम रॉन्ग र्यूमर्स विच लाइक अ स्टूपिड आई डिड नेवर क्लियर्ड,
कि लोगों ने ये अफवाह उड़ा दी थी कि मैं मुझे इससे शादी कर ली. सो पीपल बैकड आउट कि नहीं, अगर अभी शादी कर ली है तो नेचुरली काम नहीं करेगी. तो सारा जितना किया कराया था सब पे वापस पानी धुल गया. देन आई अगेन हैड टू स्टार्ट माई करियर. आई डिड वन मराठी फिल्म. पीपल स्टॉप्ड कमिंग टू मी, नॉट अ सिंगल प्रोड्यूसर. और मेरे में भी वो गट्स नहीं थे. जैसे आई अप्रिशिएट कि आजकल की लड़कियों में इतने गट्स हैं कि अगर उनके बारे में कोई रॉन्ग रूमर या एनी थिंग है, दे वॉक अप टू यू एंड टेल यू, दे टॉक टू यू और दे कॉल यू अप एंड टेल यू कि देखिए अगर आपको किसी ने बोल दिया कि मैंने शादी कर ली तो ऐसी कोई बात नहीं है. वो लोगों को बुला के इंटरव्यू दे के क्लैरिफाई करते हैं. सो आजकल की लड़कियाँ जैसे क्लैरिफाई करेंगी, ये सब अकल हम लोगों में नहीं थी उस ज़माने में कि हम बुलाएं, प्रेस को बुलाएं, उनको क्लैरिफाई करें, उनसे बात करें, या किसी प्रोड्यूसर को ही सामने से फ़ोन करके बोल दें कि भैया ऐसी कोई गलत बात नहीं है, आप आई एम वर्किंग, आई एम स्टिल वर्किंग. वो सब हमारे में चालाकियाँ या नहीं था, बिल्कुल समझ ही नहीं थी, यू कैन कॉल इट. उसके बाद देन बहुत सालों के बाद एक प्रोड्यूसर मेरे पास आए. वो कौन, 3 साल के बाद आए, दादा कोन के जी ने मेरे को फ़ोन किया कि मेरी फिल्म में एक लावणी है, आप करोगे क्या? मैं तो ज़माने 3 साल हो गए थे, मैंने स्टूडियो नहीं देखा था, कुछ नहीं देखा था. ऐसा लगता था जैसे लोग भूल गए मुझे, इंडस्ट्री में तो मैं हूँ ही नहीं. सो अब मेरे को वापस आने का यही एक तरीका लगा कि आई मस्ट एंटर द फिल्म इंडस्ट्री, आई मस्ट गो टू द स्टूडियोज. सी इफ आई गो टू अ स्टूडियो एंड आस्क समबडी कि मैं मेरे को काम दो, वेरी ऑड. इफ आई एम वर्किंग पीपल सी दैट आई एम ऑन, आई एम स्टिल इन हैपनिंग. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड दैट. आई टुक दैट सॉन्ग, दैट आंध्रा मार तो डोड़ा का एक गाना था, तो वो गाना मैंने किया, वो लावणी मैंने की. एंड पीपल स्टार्टेड लुकिंग एट मी, अरे अरुणा ईरानी काम कर रही है, अरे अरुणा ईरानी काम कर रही है. एंड कुछ दिनों बाद राज साहब का फ़ोन आ गया, राज कपूर जी का, एंड ही ऑफर्ड मी दैट रोल इन बॉबी. एंड आई वाज ऑल फ्लोर्ड, बहुत मतलब ऐसा लगा कि ख्वाब ही देख रही हूँ मैं. देन जब राज साहब की पिक्चर में आया तो राज साहब की पिक्चर की पब्लिसिटी बहुत होती है, यू सीन उनके तो क्या पेपर्स में क्या न्यूज़ फ्लैश होती है. सो व्हेन ही टुक मी इन द फिल्म, तो उन्होंने सब जगह अनाउंस किया कि शी इज़ डूइंग द फिल्म, सेट्स पे फोटोग्राफर्स आना, ये आना, वो आना. दूसरे प्रोड्यूसर्स को पता लगने लगा कि राज साहब ने अरुणा ईरानी को साइन किया. दैट्स हाउ पीपल स्टार्टेड कमिंग टू मी अगेन एंड आई केम इन टू रोटेशन अगेन.